फॉर्च्यूनर लगा दी रीसेल पर और कर दी हाइलेक्स बुक। सुनने में आया पेट्रोल पे डिस्काउंट देते हो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, की हाल चाल सारे नु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सर्विस करवाने अपने फॉर्च्यूनर एक ब्लैक बीस्ट की। सो गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि यार फॉर्च्यूनर की सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, जो भी है ना भाई। आज पानी का पानी और दूध का दूध दोनों की चीज अलग अलग हो जाएगी। अपन क्या यूज करने वाले हैं ना अपनी फॉर्च्यूनर के ऑयल के साथ, तो प्लीज साथ में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। पूरी सर्विस आपके साथ में दिखाने वाला हूँ, क्या बिल बनेगा, क्या क्या सर्विस में अपन ने प्रोडक्ट चेंज करवाए हैं। तो आप बस आज है ना बने रहना। 20,000 वाली किलोमीटर वाली सर्विस है अपनी। अब इतनी जल्दी क्यों करवानी पड़ रही है ना, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को निकलना है ट्रिप पर परसों। आज हो चुकी है भाई 20 तारीख और अपने को निकलना है 22 तारीख को, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बोला हुआ था। और साथ ही साथ भाई लेने वाले अपन अपनी गाड़ी के टायर का क्लेम, ब्रेक जाते वक्त अपन से क्रैश हो गया था, तो देखते हैं जी आज क्या खर्चा बैठता है क्या नहीं बैठता। सो बस आप लोगों से यही एक और की नीड है कि आप बस पूरी वीडियो में साथ बने रहना। आज बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी की अपनी फॉर्च्यूनर सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। गाइस फाइनली मैं और चीकू पहुंच चुका है टोयोटा के सर्विस सेंटर। बस यहाँ से टोयोटा का सर्विस सेंटर 2 मिनट की दूरी पर है। वहाँ जाके भाई अब पूरी कंप्लीट गाड़ी की सर्विस करवानी, क्योंकि यार अपने को ना रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। डिस्पैड होने को नहीं चेंज होंगी, बट मैं ना चेक करवा लूँगा, अगर चेंज होने लायक होंगे तो मैं करवा दूंगा भाई, थोड़ा भी लालच वालच नहीं करना है। और चीकू बोल रहा था भाई यहाँ पर BMW का शोरूम आ गया, कहाँ है भाई इसके जस्ट स्टार्टिंग होता है ना, हाँ तो भाई वो अशोक ले लेना था। BMW अंदर लोग मेरे तभी तो बाहर कुछ नहीं लगा BMW था भाई। मेरे हिसाब से आगरा में BMW का शोरूम तो मुश्किल ही है, बट आ भी गया हो तो कभी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो देख टोयोटा आ गया भाई। गाइस भैया आ चुके हैं अभी, हमारे बंदे हैं ये, खुद बढ़िया बंदे हैं, और सर्विस मैनेजर है यहाँ पर, मैनेजर हो ना, सर्विस एडवाइजर हैं। और ये अपनी गाड़ी के भाई फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, सारी जो भी डिटेल्स हैं वो एड ऑन करेंगे, देन उसके बाद अपनी गाड़ी की सर्विस स्टार्ट करवाते हैं। और पूरी सर्विस मैं भाई आज दिखाने वाला हूँ, क्या मजेदार सर्विस करते हैं ना सनी टोयोटा वाले, एक नंबर भाई। गाइस फाइनली अपनी गाड़ी जा रही है सर्विस के लिए और हम लोग भी वहाँ से साथ जा रहे हैं भाई। गाड़ी है ना अपनी एक नंबर लगती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेक्सी लगती है एक नंबर। तो भाई क्या क्या चेंजेस करवाने वाला हूँ, कुछ निकी मुली के प्रोडक्ट्स भी हैं जो अपन यूज़ करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से यही सजेशन रहेगा भाई, पूरी वीडियो देखना क्या क्या चेंज करवा रहे हैं, कैसे कैसे करवा रहे हैं। तो उस वीडियो में ना भाई साथ बने रहना, पूरी की पूरी इस वीडियो में साथ बने रहना। सो फाइनली गाइज अपनी गाड़ी आ चुकी है सर्विस के लिए और यहाँ बस अपनी गाड़ी एक बार लग जाए, देन उसके बाद आपको कंप्लीट सर्विस दिखाने वाला हूँ कि अपनी सेकंड सर्विस में क्या क्या चेंज होने वाला है और क्या चेंज नहीं होगा। बाकी यार ये रेड लाइट जो है ना बहुत ही कातिल लग रही है अपनी गाड़ी की। गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको लाइट कैसी लग रही है भाई गाड़ी की, मेरे को तो एक नंबर। हाँ मेरी गाड़ी लग रही है वो है एक्सप्रेस मेंटेनेंस, मतलब यहाँ थोड़ा ये कि जल्दी जल्दी सर्विस हो जाती है। और यहाँ अपने राम प्रकाश भी है जो है, मैंने उनको बोल दिया था कि भैया थोड़ा जल्दी सर्विस करवा देना क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो भाई पहले गाड़ी की सर्विस कराते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं और क्या क्या चेंजेस कराने वाला हूँ वो भी आपको जल्दी बताते हैं। तो यहाँ पर डलवाने वाले हैं इंजन फ्लश लिकी मोली का, और इसको ना भाई डाल के गाड़ी में ना भाई 10 मिनट आइडल पर छोड़ना होता है। डाल दो भैया। तो मेरे पास लिकी मोली के दो प्रोडक्ट, वन ऑफ द सेरेटिक एंड वन ऑफ द इंजन फ्लश। तो भाई ये दोनों क्या वर्क करते हैं मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो है भाई इंजन फ्लश इसलिए काम आता है, जब अपन इंजन में इसको डाल देते हैं, गाड़ी आइडल पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना साइड में जो ऑयल रह जाता है ये सबको मतलब कवर करके नीचे फ्लश कर देता है। इसका काम ये होता है भाई, प्रॉपर इंजन ऑयल जो होता है पहले वाला फ्लश हो जाता है। अब बात करते हैं भाई ये सेरेटिक की, सेरेटिक क्या काम करता है। सेरेटिक एक्चुअली जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको 10,000 कंप्लीट सर्विस के बाद ये पूरा रिफिल करना होता है। इससे गाड़ी की भाई स्मूथनेस है ना बरकरार रहती है मस्त। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ माइनस डिग्री का टेम्परेचर है और आगे शायद और भी एडवेंचर्स ट्रिप होने वाले हैं, तो वहाँ ऑयल जमने के ना भाई चांसेस नहीं रहते और गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो डबल हो जाती है, गेनिंग हो जाती है अच्छी। और गाड़ी क्या होता है ना, कोई भी डीजल गाड़ी हुई पेट्रोल गाड़ी हुई और सर्विस है बाद में जब ऑयल निकलवाते हैं थोड़ा बहुत कम आता है ना ऑयल, तो गाइस ऑलमोस्ट है ना 200-300 ml के आसपास ऑयल कम निकलता है। तो सेरेटिक का वही वर्क करता है कि ऑयल को कम खाने देता है गाड़ी के अंदर, एंड देन स्मूथनेस प्रोडक्शन थोड़ा हाई हो जाता है इंजन के लिए। थोड़ा प्रोडक्ट कॉस्टली है बट लिटरली फाइनली हो चुका है टाइम पूरा, बस मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 2-4-5 सेकेंड और रुकते हैं। 12:09 होने वाले हैं गाड़ी के आइडल होने के लिए, 10 मिनट हो चुके हैं कम्प्लीट। अभी इसका इंजन फ्लश करते हैं, उसके बाद इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं।
तो फाइनली भाई टाइम हो चुका है 12:09, अब गाड़ी को इंजन फ्लश करवाते हैं। आई चीज डस्ट नहीं होनी चाहिए, जो जो अपन सर्विस में डलवा रहे हैं ना सामान, तो वो सारा आपको लास्ट के एक थंबनेल में फोटो में डाल दूंगा कि ये सारा सामान जो है वो अपना यूज हुआ है अपनी गाड़ी के साथ। भाई भैया ने ना यहाँ पर इसका फिल्टर भी बाहर निकाल दिया है, तो ये फिल्टर भी चेंज होने वाला है। बहुत बढ़िया भाई, हार्ड वर्किंग बंदे, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग बंदे हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, मतलब सारी चीज का ना सेफ्टी में रखते हुए काम कर रहे हैं। भैया ने जैसे हेलमेट लगाए हुआ है, और इन भैया ने अपने सनग्लासेस लगाए हुए थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और यहाँ आ चुके भाई संजय भैया बैलेंसिंग करने के लिए। तो भैया एक के ना इसमें शायद एलॉय में बैंड है, आपको याद हो तो पिछली बार आपने ही चेक किया था, तो वो बैंड वाला एलॉय तो पीछे डाल देंगे, जिससे वाइब्रेशन नहीं करेगी गाड़ी। जैसा मैंने आपको बताया था ना, मेरे एक एलॉय व्हील में मतलब अजीब सा वो मतलब फ्रीक्वेंसी अलग सा बल है उसमें, तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, स्टपनी वाला टायर और जो अपन ने वो नया टायर डलवाया था ना, इनको फ्रंट में करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो थिकनेस है वो सबसे हाई है, और जिसमें मतलब एलॉय व्हील में जो खराब है अपना एलॉय व्हील, उसको अपन करवा देंगे स्टपनी में, क्योंकि वो बहुत रेयर काम आया करेगा और चेंज कराने का भाई बजट नहीं है। 30,000 रुपये का एलॉय व्हील है, तो मैं तो चेंज करवा नहीं रहा। गाइस ये लोग यहाँ कर रहे हैं ग्रीसिंग, क्योंकि जितने भी ऐसे मोस्टली पार्ट्स होते हैं ना, कि इनमें ग्रीसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें से देखो भाई, ओल्ड ग्रीस वेस्टेज निकल चुका है, और यहाँ ना नई मतलब क्रॉसेज में होती है, मतलब जो पीछे का डिफरेंशियल होता है ना, उसके क्रॉसेज में की जाती है, जिससे इस सर्विस में ना एक तो अपना डलेगा ये सिंथेटिक ऑयल 5W30 5 लीटर पूरा कंप्लीट ये जाएगा। साथ में अपन ने इंजन फ्लश यूज किया है, ब्रेक फ्लूड डल चुका है, ये वॉशर फ्लूड है, और यहाँ अपन ये यूज करने वाले हैं सेरेटिक का। सो गाइस एक मैं छोटा सा सिनेमैटिक शॉट डाल रहा हूँ, और थंबनेल में भी यही आने वाला है। हाँ बारी आ चुकी है भाई ऑयल डलने की। अब ये वाले ऑयल की क्वालिटी देखो, और जो निकलता हुआ ऑयल दिखा था उसकी क्वालिटी आपने देख ही ली है, कितना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है भाई। और कुछ जो था ना मतलब वो इसने किया भाई, इंजन फ्लश ने जो उसको इतना काला कर दिया, क्योंकि वो एक एक मॉलिक्यूल जो है ना वो सारे कलेक्ट करके नीचे लेके आता है। और यहाँ भाई ये पूरा 5 लीटर का कैन जो है वो खाली हो चुका है अपनी गाड़ी के अंदर। सो गाइस इसमें ना 7.5 लीटर होता है, यहाँ पर भैया ने उसमें मतलब गेज में 2.5 लीटर और कर लिया, 2.5 लीटर 5 लीटर अपना डल चुका है, और ये 2.5 लीटर भी इसमें जा रहा है, तो मतलब भाई कितना बड़ा ऑयल टैंक है अब आप सोच सकते हो। फाइनली जो अपना सेरेटिक है ये आता है 300 ml में, और ये डलने का टाइम आ चुका है, और इसकी अब क्वालिटी देख लो भाई मतलब अंदर से। और चलो भैया डाल दीजिए। ये देखो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोल्ड कॉफी अंदर जा रही है, फ्रैपीचिनो, कोल्ड कॉफी फ्रैपीचिनो या कैपेचिनो कुछ भी कह लो भाई, कार कैपेचिनो। और भाई ये तो स्टारबक्स से भी महंगी है, ये तो स्टारबक्स की कॉफी से भी बहुत महंगी है। अब इसको नींद नहीं आएगी, ये रनिंग करती रहेगी, दौड़ती रहेगी भाई, इसको अपन ने कैफीन अच्छे लेवल का दे दिया है। बस जी अब अपनी गाड़ी यहाँ से ऑलमोस्ट फ्री हो चुकी है, अब ये गाड़ी फ्री हो चुकी है ना, अब जाएगी भाई साइड में डेंट पेंट एरिया में, क्योंकि अपने को पीछे का हुक चेंज करवाना है, आपके सामने करवाऊंगा। और ये जो फॉग लाइट है ना भाई, ये देखो तो अभी है ना इनका मतलब दोनों का अपार्चर एंगल सेट नहीं है, उस वाली फॉग लाइट का और इस वाली का, तो ये भी साइड वाले उसमें ले जाके चेक करवाते हैं। थैंक्स टू संजय भैया, थैंक यू भैया सर्विस करने के लिए, बहुत बढ़िया सर्विस करी है। गाइस अब टाइम है गाड़ी के अलाइनमेंट का, क्योंकि गाड़ी का मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो अभी गाड़ी का ये मतलब पार्क हो जाएगी उसके ऊपर अलाइनमेंट के ऊपर, फिर नीचे से इनके शॉकर वगैरह या कुछ भी टाइन रोड वगैरह जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी वो चेक करेंगे, अगर वो ठीक होगी तब भी ठीक है, नहीं तो फिर भी एक बार अलाइनमेंट तो यार फिर भी करवा ही लेंगे, क्योंकि दिक्कत ना आए अपना लॉन्ग ट्रिप जो है भाई। शायद ही मैंने ऐसे कभी सर्विस किसी और सर्विस सेंटर पर देखी होगी। मैं हूँ चीकू, करने वाले हैं सैंडविच एन्जॉय, टोयोटा सैंडविच। हाँ भाई खा के बताएंगे कैसा रिव्यू है इसका भी, बट ये चार्जेबल है भाई, ये बस इतना फ्री है, कितने का दिया 30 का सैंडविच है भाई, अगर इससे पेट भर जाता तो वेल एंड गुड, बातों के अलावा कुछ भी फ्री नहीं है, अगर ये इससे पेट भर जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर भाई दूसरा भी ले ही लेंगे कुछ ना कुछ। वेज पफ डन भाई। गाइस सैंडविच से तो पेट भरा नहीं, बहुत ही लाइट था, है भाई कुछ ज़्यादा ही लाइट ही,
अभी हम लेके आए भाई एक वेज पफ मेरियट चीकू की, तो चलो एक वेज पफ भी राजमा चावल ही मिल रहे हैं भाई। राजमा चावल पूरी थाली मिल रही है, कड़ी चावल भाई, ये मतलब ये टोयोटा का सर्विस सेंटर है, रेस्टोरेंट है, मुझे ये तो बता दो एक बार कोई भाई। ये पूरा भाई पूरा कैफेटेरिया है यहाँ पर, मतलब ये नहीं है कि सेल अच्छी नहीं है भाई, यहाँ तो सेल भी अच्छी है, रेस्टोरेंट की भी सेल नहीं होगी इतनी तो। इसे देखो पूरी भाजी खा रहा है, कोई पूरी भाजी खा रहा है, कोई छोले कुलचे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। और तो और भाई यहाँ पे सारे बैठ के ना मतलब टाइम पास के लिए आप बुक्स भी पढ़ सकते हो, टीवी भी लगा हुआ है, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। चलो आप अपनी बेडीज एंजॉय करते हैं बिना ठंडे के। सो गाइस हम लोग ना आए थे ये हाइलक्स देखने के लिए, स्टीयरिंग व्हील सेम है ऑलमोस्ट ना, मतलब सारी चीज़ें फॉर्च्यूनर वाली ही हैं, बट इसका जो ग्राउंड व्हील है पता नहीं मुझे ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअल में है ज़्यादा, बट इसमें ना भाई एक बार आप अंदर अंदर आके दिखाता हूँ आपको क्या चेंजेस है। और गाड़ी लिटरली भाई बहुत प्यारी लग रही है यार। आप लोगों को यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाएगी, डिस्प्ले ना बहुत छोटी है, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यूनर बात करूँगा तो ये चीज़ बहुत अजीब सी लग रही है मेरे को। यहाँ पर आपको 4x4 का सिस्टम मिल जाएगा, H4 HL4, और DAC मिल जाएगा, डाउन हिल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल जाएगा, ऑफ एंड ऑन का, और डिफरेंशियल कंट्रोल भी मिल जाएगा जो अपनी एज इट इज़ फॉर्च्यूनर में भी है। साथ ही साथ इसमें दो मोड मिलेंगे, इको मोड एंड पावर मोड। हमारी वाली में भाई तीन मोड है, इको, नॉर्मल एंड पावर। ये गाड़ी ना भाई मुझे लग अच्छी रही है, नो डाउट। साइड की ट्रिम्स वगैरह भी हैं सेम फॉर्च्यूनर वाले हैं, गेट्स भी फॉर्च्यूनर वाले हैं, बट इसका ना मतलब लुक अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट ऐसा मतलब सिंपल सोबर टाइप में। तो गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर रेट बजट के हिसाब से जाओगे ना तो गाड़ी भाई आप सोचोगे कि ठीक है फॉर्च्यूनर ही ले लेते हैं, फिर तो इसमें जाना बेकार है। बट अगर कोई ऑफ रोडिंग और एडवेंचर बंदा है तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ आप हाइलक्स में जाओगे एक बार ना, पीछे का सीट का स्पेस चेक करते हैं, लेग रूम वगैरह स्पेस चेक करते हैं, आगे का हेड रूम अच्छा है, पीछे का एक बार लेग रूम चेक करता हूँ। यहाँ पर SOS का बटन दिया हुआ भाई, ये मेरी गाड़ी में नहीं है यार, ये गलत चीज़ दी है यार इन्होंने, यहाँ पर देखे SOS दिया हुआ मेरी गाड़ी में नहीं है, और बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है। तो चलो एक बार पीछे चलते हैं। तो गाइज इसकी जो पीछे वाली सीट है ना, फॉर्च्यूनर की थोड़ी हार्ड सीट आती है, इसकी थोड़ी सॉफ्ट है, और लेग रूम ऑलमोस्ट अगर मैं 6 feet कहूँ तो ऑलमोस्ट ठीक ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, और हेडरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गेट्स जो हैं वो भी ठीक ठाक है, मतलब फॉर्च्यूनर वाला ही शेप दिया हुआ है, इसका ये हैंडल बार बहुत मजबूत सा लग रहा है। और रियर में ना भाई यहाँ नीचे ही AC वेंट दे दिए, AC वेंट तो क्या कह रही है एयर फ्लो वाले होते हैं, इसमें AC नहीं आता है, फॉर्च्यूनर में भाई रियर में भी AC आता है। एयरबैग्स की बात की जाए तो बहुत सारे एयरबैग्स दिए हुए हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8 और 2, 10 एयरबैग है भाई। लिटरली गाड़ी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट हमारे दिमाग से आउट है। अगर मैं आगे अगर एक पर्सनली ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी तैयार करूँगा ना तो वो हाइलक्स ही होगी, ये आपसे पक्का वादा है। पीछे जो इसका बूट स्पेस है ना वो बहुत लग्जरी है भाई। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो इसका बूट स्पेस कितना बड़ा है, मतलब आदमी लिटा के ले जाओ, चीकू भी लेट जाएगा, अंकित भी लेट जाएगा, दक्ष भी लेट जाएगा, जस्ट जोकिंग गाइस। और इसका जो भाई ये डाला है ना ये वाओ, तो भाई ये जितना भी आपको सामान दिख रहा है अब आपको एक बार दिखाता हूँ, टेंट, बारबेक्यू, बैग्स, और तो और भाई चेयर्स भी रखी हैं, बॉक्स भी रखा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं हाइलक्स के साथ तो आई एम डैम श्योर हम बहुत जल्दी हाइलक्स लेंगे। क्या बोलती पब्लिक, क्या अपन फॉर्च्यूनर सेल करके हाइलक्स बुक करवाएं या ना करवाएं? थंबनेल यही रखने वाला हूँ, फॉर्च्यूनर कर दी सेल, फॉर्च्यूनर लगा दी रीसेल पर और कर दी हाइलक्स बुक। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना हाइलक्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी मेरे को प्यारी लगी, बहुत ऊँचा है, खास करके जो इसका डिपार्चर एंगल है ना वो बहुत अच्छा है भाई, बहुत ऊँचा है। इस सुजू का थोड़ा नीचे आता है, इसका बहुत अच्छा है, बट सारी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना हाइलक्स बुक कर दी जाएगी, अगर कर दी जाए तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वा दो, पैसा आने दो यूट्यूब से, हाइलक्स भी अपने घर पे खड़ी होगी अपने बेसमेंट में, और इस पर भी आपसे प्रॉमिस है कि भाई विंटेज नंबर ही डालेंगे, बस अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाते हो और मेरे पास दाम कितनी जल्दी आता है, हाइलक्स आपके सामने खड़ी करूँगा फुल मॉडिफाइड। तो चलो अब चलते हैं भाई अपनी गाड़ी से, थोड़ी गरीब आदमी आ जाए जल्दी, उसका तो लोन पूरा होने। गाइस यहाँ पर देखो कितनी सारी गाड़ियाँ टोयोटा की एक्सीडेंट खड़ी हुई है, कोई कहीं से ढुकी हुई है, कोई कहीं से ढुकी हुई है, नहीं तो चल रही किस्मत माड़ी है भाई। यहाँ भाई इनकी लंच टाइम भी अलग अलग होते हैं यार, हर आधे घंटे में लंच हो जाता है। पहले सर्विस सेंटर पर टाइम
और अब हो चुका है डेंट पेंट वालों का। गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हैं और हमें तो भाई आज लगता है कितने 4:30-5 बज जाएंगे यहाँ पर भाई, जिस हिसाब से काम चल रहा है ना 5 बज जाएंगे, क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते यार, लंच एक ऐसी चीज़ है भाई हर किसी को ज़रूरी है। सो गाइस फाइनली हमारा गेट पास बन चुका है, टाइम हो चुका है 6:30 है आज, तो भाई पागल भूत बन गया, चीकू भी भूत बन गया है। तो फाइनली भाई लोगों अभी अपन यहाँ पर देते हैं गेट पास। ये लो भैया देखिए खोलो आप चेक कर लो। सो गाइज आज ना मतलब हालत ख़राब हो चुकी है यार, मतलब एक बार शक्ल सूरत देख लो क्या हाल हो गया है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई सर्विस सेंटर से, तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ से 1 घंटा में घर पहुँचने में लग जाएगा, तो 6 बज चुके हैं, 7 बजे तक घर पहुँच जाएंगे आज, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ पैर दुख रहे। सो गाइस परसों ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, बट डीजल का टैंक है ना अभी से फुल करा के अपन रख रहे हैं, हाफ टैंक है ऑलरेडी, फुल टैंक करवा देता हूँ जिससे जाते वक्त ना भाई दिक्कत नहीं आएगी। और सारा ना भाई बजट जरूर शेयर करूंगा कि फॉर्च्यूनर ने कितना तेल पिया, कितने किलोमीटर पे पिया, सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस टाइम हो चुका है अभी 6:50, यहाँ से अभी हमें 15-20 मिनट और लगेंगे, हम लोग अभी रिलायंस पेट्रोल पम्प है और भाई टाइम हो चुका है 6:50। तो बहुत जोरों शोरों से भाई तैयारियां चल रही हैं अपने ट्रिप की, और यहाँ देखो भाई सुई हिलना चालू हो जाएगी। अरे चालू नहीं किया क्या भाई, 1200 रुपये का गया और सुई नहीं ली, हिल गई भाई देखो कितनी देर बाद सुई ली है, मतलब 1200 का पीने के बाद हिल गया भाई। इसे कम से कम ना 30-35 हज़ार रुपये का डीजल भी जाएगी इस ट्रिप पर कम से कम। हा, अच्छे अच्छों का ट्रिप हो जाता भाई 30-35 हज़ार में, इसको अकेली को डीजल ही डीजल चाहिए है? ट्रिप खत्म हो जाती है इसलिए यार, भाई बोल रहा है ट्रिप खत्म हो जाते हैं 30-35 हज़ार रुपये और इसको तो डीजल ही डीजल चाहिए 30-35 हज़ार रुपये का। सो गाइस नॉट दिस ओडोमीटर, अपन लेके जा रहे हैं फुल ऊपर तक और यहाँ से अपन ने ट्रिप भी जीरो कर दी है, तो ट्रिप भी जो रहेगा भाई इसको ना अपन मतलब जो है रीसेट नहीं करेंगे, अपन यहाँ से लेके और जब मतलब वापस पूरा से टर्न करके जब अपन वापस भरतपुर आ जाएंगे तब तक कई ट्रिप मीटर मैंने रीसेट करके लगा दिया है, 3,000-3,500 जितना भी गाड़ी अपनी चलेगी तब तक के लिए एज इट इज़ रीसेट रहेगा। और यहाँ टैंक ऊपर तक, यार ये ऐसे क्यों नहीं रहता, मतलब गाड़ी कितनी भी चलती रहे बट ये हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, सच बता रहा हूँ फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं बोलते ना भाई मेरे पापा बड़े बूढ़े होते ना कि सालों तुम्हारे तो बस नहीं चलता, तुम वॉशरूम भी गाड़ी से जाओ, तो भाई लिटरली अगर ये सुई एज इट इज़ रहे ना मतलब हिले नहीं तो मैं वॉशरूम भी गाड़ी से जाऊँगा, क्यों क्या बोलती है पब्लिक, फिर तो हर कोई जाने लग जाएगा भाई। हाफ टैंक कितने का आया, 3,000 रुपये का आया भाई अभी से स्टार्टिंग, मतलब इसने सिर्फ हाफ टैंक लिया और 3,000 रुपये का, तो मतलब आप लगा लो पूरा टैंक पिए ना तो करीबन 6,500-6,000 रुपये का लेती है डीजल, 6,500 रुपये में चलती कितना है बस 750-700 किलोमीटर के राउंड चलती है, और वहाँ तो पहाड़ों पे और भी कम चलेगी अभी आफ्टर रीसेट, इसको भी रीसेट कर दिया है, इसको भी रीसेट कर देते हैं। और सुनने में आया पेट्रोल पे डिस्काउंट देते हो? नहीं सर जाने नहीं होगा। और डीजल पे डिस्काउंट दे दोगे? डीजल पे भी नहीं पेट्रोल पे नहीं, रेट मिल रही है हमारी 88.68 तो बता डिस्काउंट नहीं दोगे आप छोटी भाई? 1 रुपया डिस्काउंट मिल रहा तो सब जगह, जियो पे और भी सस्ता है। नहीं जी रे चलो मतरा आप सुनो सही, मतरा की रेट अरे मेरी बात तो सुनो, आप मेरे को छोटा भाई मानते हो? नहीं बड़ा भाई मानता हूँ। अरे छोटा भाई मैं बड़ा भाई, अरे छोटा मान लो नंबर डाल दो, छोटा मान लो मैं 2,000 कर देता हूँ, 3,000 डिस्काउंट फिर तो एक भी मत करके जा, मतलब आप अपनी तरफ से डीजल दे रहे हो? मैं आपके लिए आप अपनी तरफ से डीजल। अरे वाह ये बस आपका जिगर और अपना प्यार देखना था, थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए। ठीक है पेमेंट हो गया? हाँ जी सर। बाद में मत करना पेमेंट नहीं हुआ सर। ओके ठीक है। सो गाइस 3,000 रुपये का डीजल आ चुका है और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सो गुड इवनिंग लवली पीपल्स, टाइम हो चुका है भाई 7:36, तो ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं और अब भाई भूख भी लगे बहुत तेज, बस सुबह से ना सैंडविच और एक पेटीज पर ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, सांसें जो चल रही है ना वो बस इसी दो चीज़ों पे चल रही है, तो होप करता हूँ शायद पहले कुछ खा लूँ और खाने के बाद गाइज मैं करने वाला हूँ वीडियो एडिटिंग, क्योंकि ये व्लॉग एनी हाउ मुझे कल तक पहुंचाना है और कल वाला व्लॉग मुझे परसों पहुंचाना है और परसों हम लोग चल रहे हैं भाई भरतपुर से जयपुर, क्या है उस चीज़ के लिए भी वेट करना,
किसी को पिक करना है वहां से, और होप करूंगा शायद हम लोग वहां से रात को ही निकल जाएंगे। ट्राई करते हैं जैसा भी है जो भी है। तो चलो जी, अब वीडियो एडिटिंग करता हूँ आपके लिए, जल्दी से जल्दी वीडियो पहुँचाने का ट्राई करता हूँ। होप करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।